खुशामदीद। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश और कोमल अजीज हमारे साथ हैं। आप ठीक ठाक हैं? एक बार फिर बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ। क्यों? ये पहली बार खेली हूँ मैं ऐसा गेम। तो अब मतलब इसमें ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी सिर्फ गपशप है। बल्कि सबसे पहले तो मुझे बताया, मैंने वो आपकी वो एक वीडियो देखी थी आज से 4 साल पुरानी। तो भाई वो मसला आपका, भाई इनका एक मसला हो गया, अमेरिका से आए यहाँ आए, वो चाइना कटिंग और ये जो मसले मसाइल है ना, ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होते। चाइना कटिंग में आई थी? नहीं नहीं, ये चाइना कटिंग में नहीं आई, इनके साथ उस टाइप का एक मसला हो गया था। चाइना कटिंग क्या होता है? लैंड ग्रैबिंग टाइप का। तो आपके साथ एग्जैक्टली वो इशू नहीं हुआ था, लेकिन वो इनके मालिक मकान जो है वो बड़ा अजीब गरीब किस्म का आदमी था, और उसने जो है वो फिर तामीरात वगैरह के लिए पैसे ले लिए और वो खा गया, डिपॉजिट वापस नहीं किया। इस तरह के मसाइल, ये मसाइल खास लोगों के साथ भी हो जाते हैं। और फिर उसने एक बड़ा एक सीन भी किया वायलेंस का, जो कि बड़ा स्केरी था। आपने बताया कि आपके चाचू को, मेरा ख्याल आपके चाचू को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका कुछ हुआ या नहीं हुआ ये बताया मुझे? मतलब कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं। 4 साल हो गए, उसका कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि माय फैमिली, मेरी फैमिली बड़ी शरीफ है, उन्होंने उससे माफ कर दिया। मैं बोलती रह गई, जब चाचू ने माफ कर दिया उसे, तो मैं तो कंप्लेनेंट नहीं थी, वो बन सकते हैं कंप्लेनेंट। तो उन्होंने माफ कर दिया, लिख के उसको माफी दे दी, तो उसको फ्री पास मिल गया। अब आई होप वो किसी और के साथ ना करे। उसके बाद आपको तंग नहीं किया? नहीं, गायब हो गया, बिल्कुल गायब। और आपसे माफी मांगी टीवी पर बोलने के बाद, जब आपने टीवी पर बात की उसके बाद? उसने मुझसे माफी नहीं मांगी, मेरी फैमिली ने उसे माफ कर दिया। उसने मांगी नहीं और आपने माफ कर दिया? मतलब मेरी फैमिली ने कर दिया ना, मैं क्या करूं? इनकी फैमिली पहले करण अर्जुन में थी ना। कौन था उसका? किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक था? कौन था वो? ये मैं बोल सकती हूँ टीवी पे? हाँ, ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ। उनका नाम ले लें जिन पे पाबंदी लग चुकी है। आई थिंक वो संधि थे ना, तो पीपीपी से ताल्लुक था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। हाँ हाँ ओके, तो मुझे नाम दीजिएगा, मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात करूंगा। अच्छा हाँ, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। अच्छा ठीक है। आई होप आई डोंट गेट इनटू ट्रबल। नहीं नहीं, यू वांट इट, तो मैंने आपसे कह रहा नाम लेने का, आप तो ले भी नहीं रहे नाम। तो वैसे बताएं, आपने अमेरिका में कितना वक्त गुजारा? तकरीबन 5 साल। उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात और पाकिस्तान की, मैं तो नहीं कहूँगा सबसे बुरी, लेकिन सबसे मुश्किल बात कि यार सबसे अच्छी बात हमारा फैमिली सिस्टम जबरदस्त सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं कभी भी जितनी भी वेस्टर्नाइज्ड हो जाऊँ, हमारा जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो कभी चेंज नहीं कर सकती। सही है। सबसे मुश्किल बात करप्शन। ओके, तो आपके ख्याल में अब आप फिर किसी पोलिटिकल पार्टी का नाम ले सकती हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग में करप्शन का मसला ज़्यादा कौन सी पार्टी में आपके? ये मुझे नहीं पता है, मुझे तो लगता है सब में ही है। ओवरऑल एक ये अलमिया है ना हमारे मुल्क का। मैं किसी और का नाम ले लें, तीसरी। बट यू थिंक पीटीआई इमरान खान साहब की पार्टी, इट्स एन एक्सेप्शन विद रिगार्ड टू करप्शन, या उसमें भी है? जितना मैंने सुना है उसमें भी है। उसमें भी है, तो एक ही लीडर नहीं है हमारा, लेकिन उसमें भी है, ये मैंने सुना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये तो बताएं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आपको आए हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए? 5 साल हो गए। तो इस हमारे एक्टर्स की एक सबसे अच्छी बात और एक सबसे बुरी बात। अच्छा ये भी बोलना है? हाँ मासूमाना। अच्छा, अपनी इंडस्ट्री में आके भी बात करनी है। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, और बहुत टैलेंट है। सही है, दो अच्छी बातें हो गई। सबसे बुरी बात ये है कि वो अपने टैलेंट को और अपने हार्डवर्क को इतना रियलाइज नहीं करते, इतना कैश नहीं करते, अंडरएस्टिमेट करते हैं अपना। अंडरएस्टिमेट करते हैं। आप कौन से पाकिस्तानी अदाकार से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं? यार ये क्या वाह यार, जिंदाबाद। बहुत सारे, लेकिन कवि साहब उनके। जी जी बिल्कुल। वो क्या हुआ था, वो एक दफा कोई आपको चीटिंग वीटिंग करते पकड़ी गई कि ये क्या क्या क्या, ये तो जरा बताया हमें। आपने भी चीटिंग की? हाँ जी मैंने चीटिंग की। खूबसूरत लड़कियां चीटिंग ही करती हैं। अच्छा हाँ। ये क्या बात है भाई, लड़कियों पे इल्जाम लगाते हैं, लड़के ज्यादा चीटिंग करते हैं। चले पकड़े ज्यादा कौन जाते हैं? हाँ पकड़े ज्यादा कौन जाते हैं? पकड़े वो जाते हैं जिनकी वीडियो आ जाती है। यार मैं सिंपल, मैं पेपर्स की बात करूँ, मैं भी पेपर की बात करूँ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। अच्छा तो चीटिंग की बात करे थे ना, मेरी चीटिंग की बात करे था, आपकी चीटिंग की। आए नाज़रीन, चीटिंग का एक किस्सा सुनते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अपने फैंस को, फॉलोअर्स को ये नहीं सिखाना चाहती कि ये अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज है, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप बताएं ताकि उनको पता चले कि ये वाला काम जो मैंने किया नहीं करना। हाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि चीटिंग से मेरी जिंदगी बदल गई, बहुत अच्छी हो गई। तो हुआ ये, हाँ मेरा सबसे अच्छा इंसिडेंट था चीटिंग का। तो मैंने ठीक है भाई, बैंड वालों, चीटिंग का किस्सा जिसे जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदलने वाला माहौल। हाँ तारीख तब्दील। हाँ नहीं, लेकिन हमारे मुल्क की भी तो यही कहानी है कि चीटिंग से। अच्छा से आपकी क्या? लेकिन फिर भी बहुत बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था, लर्न करना था, ग्रो करना था। तो मैं जब IBA में मेरा एडमिशन हुआ तो मैं बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी कि IBA में जाके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सही है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि मैंने O-level, A-level किया था, वहाँ पे रट्टा नहीं होता है। IBA में जाके रट्टा आना शुरू हो गया कि आपको बगैर समझे चीज़ों को पढ़ना है। और ये मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी मेमोराइज करके लिख लेते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना, मैनेजमेंट तो करके, कॉन्सेप्ट से, केस स्टडी से सिखाई जाती है, रट के तो सिखाई जाती है। तो मेरा एक कोर्स था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो आज तक मैं बिजनेस चला रही हूँ 3 साल से, मुझे नहीं पता वो कोर्स क्यों पढ़ाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, ठीक है, आज तक नहीं पता। तो वो कोर्स में जो है पता नहीं किस तरह की उल्टी पुल्टी बातें लिखी, नहीं वो बस आपने रटनी थी, ठीक है, और आपने जाके एग्जाम में लिखनी थी। वो मुझसे हो नहीं रहा था, उसकी वजह से मैंने की चीटिंग। कैसे की? फर्रा क्या होता है? मैंने सुना है, पता नहीं कि पर्चे में लिखते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता? सीम भाई को तो पता होगा, मुझे क्यों पता होगा? आपके हाथ में पकड़ा हुआ है। गुड वन। आपने मस्ती में छुपाया पर्चा। हाँ, वो पर्चा निकाल के देख रही थी। और क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था ना चीटिंग करने का, फौरन पकड़ी गई। फौरन पकड़ी गई। अभी शुरू की 1-2 लाइनें हुई थी। अरे नहीं, वो जो मैंने निकाला था वो आया भी नहीं था एग्जाम में। तो निकाला क्यों था उस कमबख्त को? फिर आप बस एक ही था, निकल गया। हालांकि उसमें देख के लिखना भी नहीं था। तो फिर यानी अब क्या, किसने देखा? टीचर ने देखा? कोई इन्विजिलेटर ने, वो बड़े दाढ़ी वाले इन्विजिलेटर थे, उन्होंने कहा इस लड़की को नहीं, बराबर से गुजर रहे थे, वो ताड़े, तो उन्होंने देख लिया कि चीटिंग हो रही है। उन्होंने ताड़े थे, वो नहीं ताड़े, देखना ताड़ने का एक नेगेटिव मतलब नहीं होता है। तो कोमल अजीज पर्चा दे रही है, शहर का नाम कराची, इदारे का नाम IBA, इन्विजिलेटर दाढ़ी वाला चल रहे हैं, और देख लिया। अब अगला काम क्या किया उन्होंने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा ये चीटिंग करी है, चोर। क्या शोर मचा दिया उन्होंने? क्या बस शोर मचा दिया उन्होंने, मेरा एग्जाम रुकवा दिया। बहुत बड़े-बड़े लोग आ गए IBA के, जो करता ऐसे ही थे भाई, वो गाड़ियों में, बड़ी-बड़ी जीपों में आए। मेरा एग्जाम उसी वक्त रोका गया, यानी लिटरली ऐसा लग रहा था कोई टेररिस्ट अटैक है। ड्रग डीलर को पकड़ने आए थे क्या? मतलब ऐसे ही था, लोग आ गए जीपों में। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरा एग्जाम रुकवाया, उन्होंने बोला अब आप और कोई एग्जाम मत दीजिएगा और अब आप घर जाए। फिर आपको निकाल दिया? मैं घर चली गई। आपने उनसे पूछा मुझे क्यों निकाला, या आपको पता था कि मुझे इसलिए निकाला था? मैं चली। हाँ, मैंने मान लिया, मैंने मान भी लिया। उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी मैंने किया। तो आप ना मानती तो फर्रा दिखा देते आपको, तो क्या करते? नहीं ना, वैसे तो कहते हैं कि नहीं मानना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ। अच्छा, ओके। ये भी हमारे पाकिस्तान में होता है ना, जब पता भी चल जाए, सब रिपोर्ट्स आ जाए, फिर भी नहीं मानते। पैनामा पेपर्स भी आ रहे, सब पता भी डिनाई करना। इस वजह से आए थे कि हैरान हो गए हम, देखे तो सही जाके ये फर्रा जो इनके पास है, ये तो क्वेश्चन भी नहीं आया, ये नो रखा हुआ कर रहे हैं। इससे जिंदगी कैसे तब्दील हुई? जिंदगी ऐसे तब्दील हुई कि उधर से उन्होंने मुझे दे दी 3 साल की सस्पेंशन। अच्छा, इतना तो हमारा वजीर आजम भी नाहेल नहीं होता है करप्शन पे यार, 3 साल के लिए। अच्छा, स्टूडेंट जो होता ही है कि वो आपको उस एग्जाम में या तो F दे देते हैं या वो फेल कर देते हैं। उस एग्जाम में फेल कर देते हैं। सबने कहा कि चलो एक एग्जाम में तुम फेल हो जाओगी, बाकी इतना अच्छा पढ़ना कि GPA आपकी ऊपर आ जाए। सही है। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। उन्होंने कहा उसके अलावा ये हो सकता है कि 6 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड कर दें, तो तुम जाके कोई इंटर्नशिप कर लेना। आपको 2 ऑप्शन दिए, 2 ऑप्शन मुझे IBA के बच्चों ने बताया, लेकिन आपको ये नहीं दिया गया। लेकिन मुझे 3 साल का सस्पेंड कर दिया। ये क्यों हुआ, ये नहीं पता आपको? आई थिंक वो एग्जाम्पल बनानी थी मेरी। फिर क्या? अब देखें, एग्जाम्पल बन के टीवी पे आ गई। तो आपकी अभी जिंदगी बदल रही है। बदल कैसे गई? बदली 3 साल का बैन लग गया। अगर वो मुझे F देते या वो मुझे 6 महीने के लिए निकालते, मैं वापस IBA में जाके फंस जाती, उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मुझे रट्टा लगाना पड़ता। आप किधर चली गई? फिर मैं चली गई। जब ये हुआ तो घर वालों ने भी इजाजत दे दी, बाहर मैंने अप्लाई कर दिया पढ़ने के लिए, बाहर स्कॉलरशिप मिल गई, मैं अमेरिका चली गई पढ़ने के लिए। बस वहाँ से जाके मेरा दिमाग थोड़ा और खुला, अच्छी एजुकेशन मिली मुझे, अच्छे जिस तरह की मैं चाहती थी एजुकेशन वो मुझे मिली। उससे मेरा दिमाग इतना खुला कि मुझ में इतनी हिम्मत आई कि जरूरी नहीं है कि मैं जाके किसी मल्टीनेशनल में नौकरी करूँ, मैं आके एक्टिंग और भी काम है जिंदगी में, बिजनेस करना। ये आधी ब्रेक ले लेते हैं कि अगर इनके पास फर्रा होता इनकी जिंदगी कैसे बदलती? बता दे भाई। नहीं, मेरे ख्याल से फर्रा होता तो मेरी जिंदगी इसलिए बदल जाती कि मैं चीटिंग करता और पूरी जिंदगी चीटिंग ही करता रहता, पकड़े नहीं जाता। लेकिन हमें ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन सर कोमल ने कहा कि ऑफ कोर्स इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो करनी चाहिए, उन्होंने खुद ही कह दिया। ये पता चला सोशल मीडिया पे आगे कोमल जो है चीटिंग प्रमोट, क्लिप जो काटेंगे उसमें आखिर में ये भी लगाएंगे। ये काम नहीं करना है। एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको। कोमल अजीज साहब हमारे साथ हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई एक कश्ती होती थी हमारे प्रोग्राम में कि जिसमें दो लोग बैठते थे, एक को गिराना होता था, एक को बिठाना होता था। अच्छा, लोग कह रहे किधर चली गई कश्ती? तो भाई एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, कश्ती की तामीर जा रही थी, एक बड़ी कश्ती आ गई, टाइटैनिक हायर कर लिया हमने। बजट बढ़ा दिया यार मैंने हमारा, तो टाइटैनिक हमने हायर कर लिया। अगर दिखा सके दिखा भी दीजिएगा। हाँ ये देखिए ना ये, लेकिन कोमल मसला ये है कि सूरत हाल बहुत नाजुक है और आए हाय टाइटन म्यूजिक भी चला दिया टाइटैनिक का। अच्छा इसके अंदर मतलब वो पेंटर है जो तस्वीर भाई वो नहीं यार, ये हमारी देसी टाइटैनिक है मतलब यानी इस इधर से किसी ने भी छलांग मारी उसके बचने के कोई चांस नहीं है भाई। तो अगर आप फर्ज करें कोमल कि आप बैठी हैं इसमें और आपके साथ जो है वो दो लोग बैठे हैं, दो स्मार्ट और हैंडसम लोग बैठे हैं, एक का नाम इमरान खान है और एक ये कनाडा के वजीर आजम जो जस्टिन ट्रूडो, वो बड़े स्मार्ट हैं। ये दो लोग बैठे हैं अगर और किसी एक को जो है ना आपने कहना भाई वरना ये जहाज उलट जाएगा, किसी एक को आपने कहना वसीम भाई वो टाइटैनिक से पीके फेंक रहा है। हां पीके मार रहे हो तो ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो को निकाल देंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाना है भाई। हां जबरदस्त। और अगर इमरान खान साहब के साथ कोई पाकिस्तान का और सियासतदान बैठा हो, मरियम नवाज साहब इमरान खान को बचाना ऑब्वियसली, इसमें तो कोई छोड़ रहा नहीं। और पीपल्स पार्टी का बैठा हो जिसने आपका लैंड ग्रैबिंग की, फिर तो फौरन है बस। सही है भाई, आखिरी एक डेढ़ मिनट है, हमने जरा हाँ या ना में कुछ सवाल करने आगे यॉकर राउंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो हाँ या ना। हमारी सोसाइटी एक शदीद जजमेंटल सोसाइटी है। हाँ 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 तीन मरतबा हाँ। अच्छा ओके ओके। इस इंडस्ट्री में तो कभी शादी नहीं करूंगी। हाँ अच्छा इंडस्ट्री के अक्सर मर्द डैश हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अदनान सिद्दीकी अच्छे हैं, क्या हो गया? टैलेंटेड है इंडस्ट्री ऐसे में, ठीक है। पाकिस्तान नहीं, कराची डैश जबकि लाहौर डैश है, इन दो शहरों के आपको कुछ बताना होगा। कराची डैश जबकि लाहौर डैश है। कराची का खाना बहुत अच्छा है, लाहौर का कल्चर बहुत अच्छा है। ओके। नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, नया पाकिस्तान बन चुका है। अच्छा अच्छा ही है अच्छा इट वाज अ न्यूज़ फॉर यू। अच्छा यार न्यूज़ है। तो आप दुआ करती हैं कि बन जाए इंशाल्लाह? उम्मीद है। आपको उम्मीद है बन जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या करें और क्या ऑप्शन है हमारे पास? सही बात है, तो उम्मीद लगाए रखें, उम्मीद लगाए रखें इंशाल्लाह, उम्मीद जगाए रखें। टैक्स देते रहें प्लीज, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कोमल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, इट वाज आई वाज थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया जी, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां जी कोमल साहिबा के लिए, और जिंदगी रही सेहत रही। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान बहुत अच्छा।